हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम लोग अगस्त मंथ का डिस्कस कर रहे हैं, एसपीडी का वन लाइनर। देखिए, ये ऑल नजह नाम का एक आपको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, तो इंडिया और किस कंट्री के बीच हुआ ये बताना है आपको। तो ये ओमान के बीच में हुआ था, ये फोर्थ एडिशन था, इसको याद रखिएगा। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीआर के कौन बने हैं डीजी? तो ये हिमांशु पाठक जी बने, याद रखिएगा। देखिए, ये आईसीआर क्या 1929 में बनाया, कमेंट बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट? तो ये वेस्ट बंगाल है, 23 पहले से उसके पास डिस्ट्रिक्ट है, 7 नया बना लेगा तो 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। इस तरह से नोट कर लीजिएगा अपने बुक में। देखिए, चाबहार डे कन्वेंशन कब स्टार्ट किया गया है? तो ये 1 अगस्त को मुंबई में चाबहार डे कन्वेंशन स्टार्ट किया गया है। न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली कौन बने हैं? तो यह संजय अरोड़ा जी बने हैं। चलिए, एक विनवैक्स करके मिलिट्री एक्सरसाइज है, विनवैक्स। तो आई से इंडिया है और वी से वियतनाम है। तो चांदी मंदिर, चंडी मंदिर में हुआ है। देख लीजिए, ये वीमेंस यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल कंपटीशन हुआ था 2022। इसके टाइटल कौन जीते हैं? तो इंग्लैंड ने जीता था वीमेंस यूरो, यूरो से याद रखिएगा, इंग्लैंड। ये वाइस प्रेसिडेंट हैज प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर्स टू द पुलिस ऑफ इच स्टेट? तो यह तमिलनाडु के पुलिस स्टेट को यह प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया था। देखिए, 1 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? मुस्लिम वीमेंस डे, वीमेंस राइट्स डे मनाते हैं। ये हेड ऑफ टास्क फोर्स सेटअप बाई द सेंटर टू मॉनिटर द सिचुएशन ऑफ मंकी पॉक्स इन इंडिया। तो एक टास्क फोर्स बनाया गया मंकी पॉक्स के ये सिचुएशन को देखने के लिए, वीके पॉल जी के अध्यक्षता में। देखिए, गुड फॉर यू एंड गुड फॉर द प्लानेट कंपेन चालू किया गया WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। देखिए, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड किसको दिया गया है? तो प्रतिभा रे राय को दिया गया है। यहाँ पे देखिए, विच IIT एस्टेब्लिश्ड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोमेडिकल एंड डायग्नोस्टिक इनोवेशन? तो IIT गुवाहाटी है किसके लिए? तो बायोमेडिकल्स और डायग्नोस्टिक इनोवेशन के लिए। देखिए, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस, तो यह कौन है? तो ई गवर्नमेंट ई टैक्सी लॉन्च करने वाला यह आपका केरला है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री क्रिकेटर डेंड्रा डॉटिन हैज अनाउंस रिटायरमेंट? तो ये वेस्ट इंडीज के थे, डेंड्रा डॉटिन। नेक्स्ट है, 146th एनिवर्सरी मनाया गया था 2 अगस्त को, पिंगली वेंकैया का। तो क्या इन्होंने झंडा को डिजाइन किया था? कमेंट बताइएगा। और झंडा का डिजाइनर कौन है? चलिए बताइए। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल हिंदू डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ पाकिस्तान? मतलब कि फीमेल बनी है और हिंदू बनी है DSP पाकिस्तान की, तो मनीषा रुपेता, ये मनीषा कोराला मत याद रखिएगा। ये देखिए, ड्रीम एस 2022 अवार्ड ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दिया गया था, तो सत्यनारायण मुंदायोर को दिया गया था। ठीक है, 44th चेस ओलंपिक तनिया सचदेव ये जीती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तनिया सचदेव, 44th चेस ओलंपियाड। ये कंट्री डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया ये किसको अपॉइंट किया गया था? अगस्त टेनो कुमायो को किया गया है कंट्री डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक में इंडिया के लिए डायरेक्टर कंट्री वाले बने हैं, हर कंट्री का अलग अलग डायरेक्टर होता है। आदिपुरम फेस्टिवल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया, पीच ब्लैक एक्सरसाइज हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया में, ये इंडिया ने ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये मल्टीनेशनल है, बहुत सारा देश के साथ होता है। एक पिच ब्लैक करके, पिच ब्लेंड करके एक ये है कि किस आपको मेटल से नॉन मेटल से मिलता है, कमेंट बताएगा आयस का। विच मेडल्स हैज़ वन बाई इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम इन CWG 2022? तो ये गोल्ड जीता गया इंडियन मेंस टेबल टेनिस ने। देखिए, वर्ल्ड का फर्स्ट वर्टिकल सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम है द लाइन। पूछ लिया कि द टर्म द लाइन वाज इन यूज, व्हाट इज दिस? वर्ल्ड का फर्स्ट वर्टिकल सिटी है तो ये सऊदी अरबिया में खोला गया, इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट में योगा महोत्सव ये आउटसाइड इंडिया कहाँ मनाया गया, कमेंट बताइए। फर्स्ट सिटी इंडियन टू मेक ट्रैफिक डाटा पब्लिक बाई गूगल, तो यह औरंगाबाद यह सिटी बन गया है। तो इसका नाम चेंज करके के संभाजीनगर किया गया, बताइएगा। ये अप्रूव बाई द US सीनेट टू ज्वाइन नाटो, किसको नाटो ने अप्रूव कर दिया है? ये स्वीडन को भी कर दिया और फिनलैंड को भी कर दिया है, तो यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा। विच IIT हैज़ पार्टनर विद DRDO टू डेवलप इंडिजीनियस ये डिफेंस इक्विपमेंट? तो के IIT रुड़की के साथ कौन कर रहा है? तो DRDO कर रहा है। देखिए, विच स्टेट्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंपॉर्टेंस इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज? तो ये बिहार का आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसको कि यूनेस्को के इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी में शामिल किया गया है। देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट यह आपको मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। और इंडिया का फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन कहाँ पर है? तो यह रानीखेत उत्तराखंड है। नेक्स्ट है पंचामृत योजना किसने लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने। देखिए, इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत सारा जैसे प्रयागराज का नाम कर दिया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, तो ये सब आपको जो भी धर्म से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ है, पंचामृत आप लोग पीते होंगे, तो ये आप लोग उत्तर प्रदेश ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट टू लॉन्च पुण्याकुट्टी डट्टू स्कीम फॉर काउ एडॉप्शन, तो यह आपको कर्नाटका ने लॉन्च किया है पुण्याकुट्टू डट्टू स्कीम, ये गाय को दूध गोद लेने के लिए है।
यहाँ पे देखिए आपको फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट जारी किया गया, तो इसमें किस कंपनी ने टॉप किया है, 9वीं बार कंजीक्यूटिव टॉप किया है, तो यह वालमार्ट है। वालमार्ट ये 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो हैंडलूम डे मनाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज, तो आपको इन डिस्ट्रिक्ट, तो हर डिस्ट्रिक्ट जिला में आपको एक संस्कृत स्पीकिंग विलेज बनाना है, संस्कृत बोलने वाला गांव, तो उत्तराखंड ने लिया है इनिशिएटिव। देखिए किसने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है, आपको इंडिया ने जीता है, और किसको हराया था, तो यह बांग्लादेश को सैफ U20। देखिए ये मच्छल वीमेन क्रिकेट लीग ये कहाँ पे हुआ है, तो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था, तो मच्छल वीमेन क्रिकेट लीग कश्मीर में हुआ है दोस्तों। ये देखिए इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव कहाँ किसने लॉन्च किया, ऑन द 75 बर्थ एनिवर्सरी, ये एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल, गूगल का नाम याद रखना है, और कल्चर ने किया है, एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मत करिएगा, तो ये कृषि की उड़ान उड़ान से मत चले जाइएगा, तो इस तरह से याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल। ये देखिए किस कंट्री के गवर्नमेंट ने ये कन्नन सुंदरम को ये चेवलियर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो चेवलियर अवार्ड फ्रांस का है, ये कन्नन सुंदरम को दिया गया है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख किसको दिया गया है, तो गुरु दलाई लामा को दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट मून मिशन ये क्या नाम है, दानूरी, तो ये मून से रिलेटेड है, तो यह कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो साउथ कोरिया में किया गया, साउथ कोरिया अभी उबेर कप जीत लिया है। और थॉमस कप कौन जीता है कमेंट बताएगा, बताया जा चुका है। फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR ये कौन बनी है, तो यह नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, तो DG बनी है, वीमेन DG है, और CSIR की, तो इसको याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए 75 ग्रैंड मास्टर कौन बने, वी प्रणव लेटेस्ट है, इसको याद रखिएगा। और 23rd ये आपको लेटेस्ट ये वीमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, प्रियंका नोटक की, और प्रियंका मोहते की न्यूज में बताएगा। मिस इंडिया USA 2022 कौन बनी है, तो देखिए मिस इंडिया के बाद USA जुड़ गया, तो ये कौन बनी है, तो आर्या बालवेकर बनी है। और मिस फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है, तो सीनी शेट्टी बनी है। की और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पूछ लिया, तो आपको खुशी पटेल बनी है। देखिए ये 12th डेफ एक्सपो, एक डिफेंस एक्सपो हुआ था, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था, इसका पाथ टू प्राइड इसका थीम भी था, पाथ टू प्राइड। ठीक है, किस कंट्री के साइंटिस्ट ने ये वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इम्ब्रायो ये आपको प्रिपेयर किया है, तो इजराइल के, ये पहला जो मतलब कि कृत्रिम आपको भ्रूण बोला जाए इसको, तो डेवलप किया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है साइंटिफिक डेवलपमेंट में। और इजराइल किस देश के पास, आपको हेरोन ड्रोन हम लोगों ने पढ़ा था, उसको कमेंट बताइएगा। देखिए हु हैज टॉप द मेडल टैली इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है ये मेडल टैली में, इंडिया का रैंक 4 है। यहाँ पे देखिए AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर ऑल इंडिया ये फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से दिया जाता है, तो यह सुनील छेत्री को दिया गया और मनीषा कल्याण को दिया गया है। एक मनीषा उपाता उपलो हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, वो भी याद रखिएगा। ICC प्लेयर ऑफ मंथ दिया गया जुलाई का, किसको दिया गया, तो प्रभात जयसूर्या को श्रीलंका के, और इमा लंबा इंग्लैंड को दिया गया। ये देखिए विच फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर हैज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम, तो नेपाल क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बनाया गया, मनोज प्रभाकर। ये किस स्टेट से हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, BPSC वाले तो इसको जरूर बताएंगे। चलिए ICC वीमेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में आपको किसने टॉप किया है, तो यह बेथ मून ने, या ऑस्ट्रेलिया के हैं बेथ मून ने, तो इसने टॉप किया। देखिए विच मेडल हैज बीन ओन बाई इंडियन मेंस एंड वीमेंस टीम इन 44 चेस ओलंपियाड 2022, तो देखिए 44वां चेस ओलंपियाड था, तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है आपको इंडिया मेंस और वीमेंस के द्वारा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2022 टू इंसर्ट ए न्यू आर्टिकल 3A, तो ये 3A आर्टिकल इंसर्ट करने के लिए, मतलब कि शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश ने इसको लागू किया है। ये आर्टिकल 3A को जो UPSC वाले होंगे थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। चलिए हु हैज वन द फाइनल मैच ऑफ UEFA सुपर कप 2022, तो UEFA सुपर कप 2022 का हुआ है, इसमें रियल मैड्रिड ने टॉप किया है, रनर ये फ्रैंकफर्ट था। देखिए ये होल्डिंग क्रिप्टो करेंसी, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी को धारण करने में कौन टॉप में है, तो ये यूक्रेन है। देखिए रशिया यूक्रेन का, ये फिर भी क्रिप्टो करेंसी में सबसे होल्डिंग करने वाला टॉप में है। ये आपको बताना है कि विच लीडर विल बी ऑनर्ड विद द फ्रेंच ग्रेटेस्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, तो ये शशि थरूर को दिया गया था, इनका बुक आपको फॉरेन रिलेशन में आता है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। देखिए ये आपको 13 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया गया, तो वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे, तो आपको अंग जो है दान दिवस ये मनाया गया। देखिए किस स्टेट को 5th एलिफेंट रिजर्व मिला है, वो भी कहाँ पे, तो अगस्त्या मलाई में, तो अगस्त्या मलाई कहाँ, इसी से आप निकाल लीजिएगा आंसर, तो यह तमिलनाडु में 5वां एलिफेंट का ये टाइगर रिजर्व मिला है, सॉरी एलिफेंट रिजर्व। और आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में मिलता है, तो कर्नाटक देश, ये कर्नाटक राज्य होगा। और वर्ल्ड में किस देश में मिलता है, तो थाईलैंड, आप लोग कमेंट में कन्फर्म करिएगा थाईलैंड है कि नहीं। देखिए
एक न्यू वर्चुअल स्पेस म्यूजियम बनाया गया है स्पार्क नाम का। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि द टर्म स्पार्क वाज न्यू, व्हाट इज दिस, तो एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो इसरो में। तो अगर पूछ लेते कहाँ लॉन्च किया है, तो कहीं पे नहीं, तो ये वर्चुअल है। तो कहीं पे जहाँ पे आप अपना लैपटॉप मोबाइल खोलिएगा वहाँ पे आप इस स्पार्क पार्क म्यूजियम में आप स्पेस से रिलेटेड आप चीज़ें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए स्माइल 75 इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस मोसे, इसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसने लॉन्च किया है। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के ये आपके कौन है मिनिस्टर, वो आप लोग कमेंट बताइएगा। क्या इकबाल सिंह लालपुरा हैं, वो कमीशन के हेड, सॉरी कमीशन ऑफ नेशनल माइनॉरिटी अफेयर्स का, बताइएगा। फर्स्ट साउथ एशियन वीमेंस टू विन द लिस्बन, ये लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो मरीना तबस्सुम को दिया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अप्रूव्ड ए बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन नेम कोर्बेवैक्स, तो किसने बनाया है कोर्बेवैक्स को, तो ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद का एक कंपनी है, तो इसने बनाया है। देखिए चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद योजना, ये मध्य प्रदेश का है, और एक चाइल्डली फ्रेंडली ये आपको एक कोट बनाया है, चाइल्डली फ्रेंडली ये बजट, सॉरी हाँ एक बजट बनाया, देख लीजिएगा उसको कमेंट बताएगा। देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2022, ये किस राज्य में ये पास किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया, इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑनलाइन सेफ्टी बिल किस देश में किया गया है, क्या ऑस्ट्रेलिया में, कमेंट बताइएगा। देखिए 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, तो पार्टीशन ऑनर रिमेंबरेंस डे मनाते हैं। देखिए 14 अगस्त को आधी रात को हम लोग का देश ये अंग्रेज छोड़ के भाग गए थे, तो हम लोग आज़ाद हो चुके थे बस, हम लोग 15 अगस्त को अपना मनाते हैं, और ये हम लोग का बंटवारा 14 अगस्त को हो गया था, तो इसलिए हम लोग 14 अगस्त को ये पार्टीशन ये रिमेंबरेंस डे मनाते हैं। चलिए उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम ये किसने लॉन्च किया है, तो SBI ने, ये एक तरह का फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, चलिए उत्सव नाम से याद रखिएगा SBI। विच कंट्री रिसर्च शिप हैज़ बीन अलाउड बाई श्रीलंका टू डॉक एट हम्बनटोटा पोर्ट, तो ये हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका में है, तो ये श्रीलंका ने जो है किस कंट्री के डॉक को वहाँ पे मतलब कि आपको रोकने के लिए मतलब कि ठहरने के लिए अलाउ कर दिया है, तो यह चाइना के पोर्ट को डॉक को कर दिया है। ठीक है अभी हाल ही में आपको श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, तो इंडिया का क्या रोल था, ये UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ये विच कंट्री हैज हैंडेड ओवर द डॉर्नियर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट टू द श्रीलंकन नेवी, तो ये इंडिया ने ये आपको श्रीलंका नेवी को दिया है, कौन सा है, डॉर्नियर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, डॉर्नियर नाम से याद रखिएगा, इंडिया ने दिया है। ये देखिए इन विच स्टेट विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, तो ये जम्मू कश्मीर में ये विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम लॉन्च किया गया है, तो ये गार्ड रहेंगे और डिफेंस मतलब कि सुरक्षा करेंगे गांव का। देखिए हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवार्डेड पुलिस मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो यह 1082 मेडल्स जो है आपको दिया गया है पुलिस पर्सनल्स को। देखिए और नारी शक्ति पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था, तो 29, और बाल पुरस्कार भी 29 ही दिया गया था, जिसको आप लोग अपडेट में देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए किसको CEO ऑफ नेट ग्रिड ये आपको अपॉइंट किया गया, तो पीयूष गोयल को किया गया है। विच पाकिस्तानी क्रिकेट हैज ऑनर्ड विद सितारे इम्तियाज, देखिए हम लोगों ने हिलाल पाकिस्तान पढ़ा, वो आपको किसको दिया गया था, तो एक था सितारे पाकिस्तान और हिलाल पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे सितारे इम्तियाज आ गया, तो यह बाबर आजम को दिया गया है। चलिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, तो यह यात्री सुरक्षा अमानत ये सब RPF के द्वारा चालू किया गया है, और अमानत भी चालू किया गया था। आहट ये देखिए डूरंड कप एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो यह कहाँ पे ये डूरंड कप ये आपको स्टार्ट हुआ है, तो कोलकाता में किया गया है डूरंड कप। चलिए ये फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स टू ऑल वीमेन, तो यह कौन सा ऐसा देश है जो कि अपने पूरे वीमेन लोगों को फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो एक स्कॉटलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा, प्रोग्रेसिव न्यूज़ है, तो ये पूछा जा सकता है। और इंडिया में कौन ऐसा गांव है जो कि फ्री सैनिटरी ये नैपकिन प्रोवाइड करने वाला बन गया, तो एक केरला का गांव है, जल्दी से कमेंट बताइए, याद आ रहा है क्या, रिकॉल करिए, कुमलांगी करके नाम था, चलिए बताइए। विच स्टेट्स थर्ड एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड दोनियो पोलो एयरपोर्ट, देखिए नाम भी थोड़ा सा अजीब है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ का जो अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा से नहीं हो पा रहा होगा तो आप लोग एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा, दोनियो पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए विच कंट्री फुटबॉल फेडरेशन हैज बीन सस्पेंडेड बाई FIFA, तो ये इंडिया के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया गया है, अभी हाल ही का न्यूज है। देखिए फर्स्ट कंट्री टू मेक ए वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन वेरियंट, तो ये ब्रिटेन है। चलिए नेक्स्ट है ये मेक इंडिया नंबर वन मिशन कौन लॉन्च किया था, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM, तो दिल्ली के आपके ये लेफ्टिनेंट जनरल कौन बने, कमेंट बताइए, क्या विनय कुमार सक्सेना है क्या, और विनय मोहन क्वात्रा क्या है, ये भी बताइए आप लोग, इंटरलेट करते रहिए, नाम मिलता जुलता है। तो 9th मीटिंग किया गया था इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट कमीशन का, तो 17 अगस्त को यह बैंकॉक थाईलैंड में किया गया, तो देखिए इंडिया थाईलैंड है, तो ये थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया, तो देखिए ये
3D है और ह्यूमन का कॉर्निया बनाया गया, तो यह हैदराबाद में बनाया है, तो बहुत ही मतलब कि साइंटिफिक डेवलपमेंट में अच्छा माना जाएगा। तो लाइट इंटर आँख में करता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, क्या पुपिल करता है या कॉर्निया करता है या आयरिस करता है, इसको आप लोगों को कमेंट में एस्थेटिक पोर्सन में बताना है। देखिए, हु हैज़ वोन द बेस्ट एक्टर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड, ये किसको दिया गया है बेस्ट एक्टर का, तो यह रणवीर सिंह को दिया गया है, मेलबर्न का अवार्ड है। चलिए, विच कंट्री क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, तो केविन ओ ब्रायन कहाँ के हैं, तो आयरलैंड से हैं। देखिए, केविन ओ ब्रायन आयरलैंड, थोड़ा नाम मिल रहा है तो राइम्स बना कर याद करिएगा इसको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड चलिए, ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, ये किसने अनाउंस किया है, टू गिव 2% रिजर्वेशन टू द प्लेयर्स, तो खिलाड़ियों के लिए 2% रिजर्वेशन, अच्छा इनिशिएटिव है, तो एक कर्नाटका ने दिया है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लास्ट ही मंथ है हम लोग का, ये लेटेस्ट ये अगस्त वाला। हु हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट फ्रेंडशिप स्टार्टअप फॉर सीनियर सिटीजन, तो ये किसने किया है, तो ये रतन टाटा ने कर दिया है दोस्तों। एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन इन संगरूर पंजाब में किया गया है, एशिया का लार्जेस्ट है ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद करिए। और इंडिया का सबसे बड़ा आपको बायोथेनॉल प्लांट क्या पूर्णिया में लगाया गया बिहार में, ये आप लोगों को कमेंट में कंपाउंड करिए, आप लोग के लिए चैलेंज बताया जा चुका है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्कूल क्लीननेस एजुकेशन, मतलब कि ये विद्यालय का सफाई आपको शिक्षा इससे रिलेटेड है प्रोग्राम इसे टीम, तो यह क्लीननेस से रिलेटेड ये उत्तराखंड ने किया है। यह मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग स्कीम ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। चलिए, फोर्थ इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटजिक डायलॉग हुआ था, तो ये मनीला में हुआ है, तो मनीला में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका हेडक्वार्टर भी है। चलिए, EIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का कहाँ पे है ये बताइए, आप लोग के लिए चैलेंज है। और एक और है, ये ब्रिक्स का ये कौन सा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसका शंघाई में है, ये मैं हिंट्स दे रहा हूँ। और AIIB का बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, यहाँ पे देखिए, विद्या रथ स्कूल ये किसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट, तो ये आसाम ने लॉन्च किया है दोस्तों। और एक और है, एजुकेशन ऑन व्हील्स करके है, उसको भी आप लोग बताइएगा या देख लीजिएगा। देखिए, ये AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, बीस है बीजिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द क्लाइमेट चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो ये कौन बनी है, तो साइमन स्टील बनी है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रांडा की थी। चलिए, द हाउस ऑफ विच इमिनेंट मेंबर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये ब्लू प्लेक अवार्ड दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ब्लू प्लेक, तो दादा भाई नौरोजी को दिया गया है, नौरोजी। हु हैज़ इलेक्टेड एज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन जर्मनी, तो जर्मनी में देखिए आपको इंडियन समुदाय को पहला रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं, तो ये आपके गुरुदीप रांधवा बने हैं, तो ये गुरु रांधवा से मत कन्फ्यूज है, गुरुदीप रांधवा। चलिए, ड्रग फ्रॉम स्काई ये लॉन्च किया गया, तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, ड्रग फ्रॉम स्काई, और ड्रोन से आपको मेडिसिन और ये सब पहुंचाने वाला कौन था, कमेंट बताइएगा। और ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है, और ड्रोन स्कूल आपको ग्वालियर में खुल रहा है MP में। देखिए, SBI ओपन कर रहा है अपना फर्स्ट ब्रांच डेडिकेटेड टू स्टार्टअप ऑन अगस्त 18, तो यह बंगलोर में खोला जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ इच स्टेट हैज़ लॉन्च अम्मा एंड वात्सल्य योजना, इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ही स्कीम होता है जो कि बहुत ही फेमस होता है, तो ये याद करना होता है, तो अम्मा और वात्सल्य योजना ये सिक्किम का है। देखिए, कंट्री फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस स्टैंड, बहुत ही मतलब कि प्रोग्रेसिव न्यूज है, तो कंट्री का पहला भी है और इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस AC बस है, तो यह मुंबई में किया गया है, याद करिए क्या, इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कंट्री का पहला। देखिए, विच स्टेट्स ट्राइबल डोमिनेटेड, यह मंडला डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो मतलब कि आपको पूरी तरह से ये साक्षर जिला बन गया मांडला डिस्ट्रिक्ट, और ये ट्राइबल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कहाँ क्या, मांडला मौसम, मांडला मौसम मध्य प्रदेश। चलिए, आप लोग ये बताइए कि सबसे ज़्यादा AC कहाँ पे है, परसेंटेज में कहाँ पे है और संख्या में पॉपुलेशन में, दोनों बताना, ये स्टेटिक का क्वेश्चन है आप लोग के लिए, होमवर्क बताइएगा कॉमेंट में। विच हैज़ हु हैज़ बिकम द इंडिया फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले UEFA वीमेंस चैंपियनशिप लीग, तो यह कौन, मनीषा कल्याण बने, आई थिंक इसको हम लोगों ने डिस्कशन किया था, UEFA आपको वीमेंस चैंपियनशिप लीग। देखिए, HDFC बैंक एक अपना ब्रांच ऑपरेट कर रहा है बाई वीमेंस एम्प्लॉय, तो केवल महिलाएं जो आपको कर्मी है उन्हीं के द्वारा, तो यह कोझिकोड में खोला जा रहा है, कोझिकोड एक केरला में आपको ये पड़ता है। देखिए, PTM हैज़ टाई अप विथ होम टू इंस्टॉल POP इक्विपमेंट, तो यह पॉइंट ऑफ सेल ये POS होता है, तो सैमसंग ने इसको PTM के साथ टाई अप किया है। देखिए, फर्स्ट स्टेट टू गेट हर घर जल सर्टिफिकेशन, तो यह गोवा बन गया है। और एक और डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको मध्य प्रदेश का है,
ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, तो वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि हर घर जल डिस्ट्रिक्ट सर्टिफाइड बना है। विच बैंक हैज साइंड MOU विद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो FCI के साथ ये किस आपको बैंक ने ये MOU साइन किया है फूड के लिए, तो ये एक्सिस बैंक ने किया है। देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू गिव एक्सपोर्ट स्टेटस टू दही हांडी, तो दही हांडी है कहाँ का, तो महाराष्ट्र का है दोस्तों। देखिए, महाराष्ट्र नाम देखते हैं आपको क्या याद आ जाना चाहिए, क्या जीवाला नाम का एक कार्यक्रम चलाया था और टैप इन टैप आउट बस सर्विसेज चलाया था, ऑटोमेटेड टिकटिंग बस सर्विसेज भी चलाया था और ये ट्रैकर सिस्टम भी चालू किया था माइग्रेशन के लिए। तो ये सभी आप लोगों को ये रिकॉल करिएगा तो भी याद होगा। चलिए, बार बार ये वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगस्त 20 को हम लोग मस्क्यूटो डे मनाए थे, मच्छर दिवस। फर्स्ट टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर सीड डिस्ट्रीब्यूशन, तो बीजों को ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज सबसे पहले झारखंड ने किया है। देखिए, झारखंड का ये निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और बिहार से ही निकल कर बना था, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। झारखंड अभी इस बार भी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ का जामताड़ा न्यूज़ में था, कमेंट बताइएगा, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। 17वां आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 2023 में, तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर का नाम सुनते ही आपको क्या दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंदौर आपको फर्स्ट ड्रोन स्कूल खुला है और इंदौर जो है वाटर प्लस सिटी बन गया है और आपको क्लीनेस सिटी में जो है आपको चौथी या पांचवी बार टॉप किया है, या चौथी या पांचवी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा एग्जैक्ट। विच स्टेट फर्स्ट ट्राइबल नोवेलिस्ट, ये क्या नाम है, नारायण, ये उपन्यासकार हैं, तो ये ट्राइबल नोवेलिस्ट हैं, तो ये पास अवे कर गए हैं, तो ये केरला के हैं नारायण, तो एक नमुद्री नारायण थे, तो आप लोग कमेंट बताइएगा वो किस मतलब कि किस से रिलेटेड हैं। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया विल बाई 60U-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, तो यह बॉम्बर्स खरीद रहा है, TU-160 लॉन्ग रेंज है, तो यह रशिया से खरीदा जा रहा है। और AK-203 असॉल्ट राइफल कहाँ से ले रहे हैं, हम लोग ने डिस्कशन किया है, आप लोग कमेंट बताइए ताकि याद हो जाए। और आपको ब्रह्मोस पता ही है कि हम लोग रशिया के साथ मिलकर बनाए थे, और ब्रह्मोस को हम लोगों ने मतलब कि ये सेल करने के लिए एक डील हुआ था, किसके साथ हुआ था वो भी कमेंट बताइएगा। चलिए, सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन ऑफ इंडिया ये कौन बन गया, तो विस्तारा एयरलाइन दूसरा है लार्जेस्ट डोमेस्टिक। चलिए, पहला कौन है, तो ये भी बता सकते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च एंटी पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन, तो यह पाकिस्तान ने लॉन्च किया है दोस्तों। अभी शायद पोलियो का एक आपको मिल गया है केस अमेरिका में, तो न्यूज़ में था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था। विच फीमेल रेस्लर हैज़ वोन सिल्वर मेडल, तो ये रेस्लर हैं और सिल्वर मेडल जीते हैं रजत, तो वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप 2022, तो यह कौन है, तो प्रिया मलिक जी हैं। देखिए, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट पोर्टल जिसका कि नाम है निदान, तो देखिए निदान करेगा, तो यह कौन लॉन्च किया है, तो NCB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, ये नेशनल NCB का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम ब्यूरो, ये देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा आई थिंक ये कंफ्यूजन है। चलिए, यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड सद्भावना दिवस, तो ये सद्भावना दिवस आपको राजीव गांधी के ये आपको एनिवर्सरी पे बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जा रहा है। और एक है संपूर्ण दिवस, तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड है। एक है आपको सुशासन दिवस, तो अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड है। तो सबको ऐसे एक बार रिकॉल करने का कोशिश करिएगा, याद हो जाएगा आपको। अभी बहुत सारा दिवस घोषणा किया गया है, 5 अक्टूबर को आपको डॉल्फिन डे मनाने का घोषणा किया गया है, आपको 16 जनवरी को आई थिंक ये आपको स्टार्टअप डे भी होगा, और 16 अक्टूबर को तो आप लोग पता ही है कि हम लोग क्या मनाते हैं, तो आपको ओजोन डे मनाते हैं। देखिए, 21 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया गया, तो वर्ल्ड का सीनियर सिटीजन डे मनाया गया है। देखिए, किस कंट्री ने साइन किया है 750 बिलियन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर बिल, तो यह बिल है बट इतना बड़ा अमाउंट है $750 बिलियन, तो USA ने किया है। देखिए, हु हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर फंड, तो यह इडेलवेस म्यूचुअल फंड ने इंडिया का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड लॉन्च किया है। देखिए, किस कंपनी को अवार्ड दिया गया एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयमेंट ब्रांड अवार्ड, तो बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड है, तो NTPC को दिया गया। NTPC का नाम सुनते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यह सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगा रहा है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तो यह कहाँ पे, तो तेलंगाना में लगा रहा है। चलिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म होता है। देखिए, स्कॉटिश म्यूजियम एक है जो कि साइन किया एग्रीमेंट टू रिटर्न हाउ मेनी एंशियंट एयरक्राफ्ट टू आर्टीफैक्ट्स, तो यह 7 आर्टीफैक्ट्स को ये आपको मतलब कि प्राचीन आर्टीफैक्ट्स हम लोगों का तो वह लौटाएगा। ये स्कॉटिश म्यूजियम है स्कॉटलैंड का। ये देखिए, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा जाएगा, तो ये शहीद भगत सिंह रखा जाएगा, इनको प्रिंस ऑफ मार्टियर्स के नाम से जाना जाता है, शहीद आजम। चलिए, नेक्स्ट देखिए, मिथिला मखाना को GI टैग मिला है, कहाँ से है, तो ये बिहार से है। देखिए, अगर पूछा जाए कि बिहार से ये GI टैग दिया गया मखाना को, उसका पूरा नाम क्या है, तो ऐसे अगर दे दिया मिथिलांचल तो वो नहीं होगा, मिथिला बस याद रखिएगा। और
बिहारी मखाना दिया जाए तो वो भी नहीं होगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, ये दिमाग खोल कर रखिएगा। 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ, तो कनाडा में हुआ है। क्या है, तो कॉमनवेल्थ का पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, तो मतलब कि संसदीय सम्मेलन है ये कॉमनवेल्थ का। देखिए किसने, हु हैज़ बीन डिफिटेड बाई आर प्रज्ञानंद इन क्रिप्टो कप, तो आर प्रज्ञानंद ने किसको हराया, तो ये क्रिप्टो कप हुआ था, तो मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये बहुत बड़े मतलब दिग्गज चेस प्लेयर हैं। देखिए इंडिया के सबसे बड़े दिग्गज चेस प्लेयर का नाम आप लोग कमेंट करिएगा, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। यह मोक्ष धाम योजना चलाया गया है, तो हिमाचल प्रदेश ने चलाया है, और मोक्ष की नगरी आपको बनारस को कहा जाता है, लेकिन मोक्ष धाम योजना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते ही आपको कमेंट में बताइए क्या क्या न्यूज़ में आपको दिमाग में आ रहा है। तो इसका अपना पहला बायोडाइवर्सिटी आपको मंडी में ये मिल गया था, और भी चीज़ याद आ रहा तो कमेंट बताइएगा। देखिए ये किसको नॉमिनेट किया गया है, बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा टू इट्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। देखिए एक हर ये फाउंडेशन का आपका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनता है, तो उसमें आशीष धवन को, ये बिल गेट्स का फाउंडेशन है, उसमें नॉमिनेट किया गया है। विच की स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप, तो ये भी है दोस्तों, ये प्रोग्रेसिव न्यूज है, इंडिया का फर्स्ट है, तो ये एजुकेशन टाउनशिप बना रहा है, मतलब कि शिक्षा नगरी समझिए एक तरह से, शिक्षा नगरी। तो ये कौन बना रहा है, तो उत्तर प्रदेश बना रहा है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश किस किस में टॉप किया है, इसका नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि वाटर में टॉप किया था, और उत्तर प्रदेश आपको और भी न्यूज़ में था, ये कौन सा था आपको, ये हाँ चीनी के प्रोडक्शन में ये पीछे चला गया और महाराष्ट्र आ गया है। चलिए इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, देखिए हाइड्रोजन से चलने वाला ये सेल बस लॉन्च किया गया है, तो यह इंडिया का पहला है और स्वदेशी रूप से विकसित है, तो कहाँ पे, तो यह पुणे में चल रहा है दोस्तों। एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, ये बहुत न्यूज़ में रहे थे, ये पूरे विश्व में अपना मतलब कि परचम लहरा दिए थे समझिए। इन्होंने अनवील किया है एक क्या है, स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी, तो ये कहाँ पे किए हैं, तो पराग्वे में किए हैं। और देखिए आपका एक देश है जो कि अपने मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करने वाला है महात्मा गांधी के नाम पे, तो कौन सा है, तो मॉरिशस है दोस्तों। और ये स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी का कहाँ पे ये अनवील किया गया, तो ये पराग्वे में, तो ये सब रिलेट करके याद करिएगा ताकि चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिके रहें। चलिए यहाँ पे विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड MOU, तो MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स, तो सी फेयरर्स आप लोगों को पता ही है जो समुद्र में सी फेयरर्स करते हैं, तो ये उनके मूवमेंट के लिए है। तो यह किसके साथ किया गया है, तो ईरान के साथ इंडिया ने किया है। और I2U2 ग्रुपिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई थिंक ये यूटेरिया वाले में, करंट अफेयर में नहीं देखे होंगे तो जाकर वहाँ भी यूटेरिया का करंट अफेयर आपको डाला जा चुका है, MCQ सब सुन लीजिएगा। एंड ये UPSC के मेंस में भी आया था आज, ये पॉलिटी वाला GS पेपर 2 में, तो ये बहुत ही न्यूज़ में रहता है, तो ये सब आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। विच कंट्रीज आर्मी हैज़ अपॉइंटेड कर्नल, मतलब कि कर्नल ये कौन है, अब्दुल्ले मैगा, देखिए तो ये फॉरेन नाम है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाएगा, तो अब्दुल्ले मैगा, तो मैगा जी हैं, ये इंटरनल प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कहाँ के बने हैं, तो यह माली के बने हैं दोस्तों, इंटरनल प्राइम मिनिस्टर। देखिए विच मेडल हैज़ बीन वोन बाई इंडियन मेन्स वॉलीबॉल टीम, तो यह वॉलीबॉल का टीम है, इंडिया का मेन्स का है, तो कौन सा मेडल जीता है अंडर 18 चैंपियनशिप में, तो ब्रॉन्ज जीता है, देखिए भी। देखिए मीटिंग ऑफ SU डिफेंस मिनिस्टर का कहाँ पे हुआ है, तो ताशकंद में हुआ है दोस्तों। चलिए एक आपको नूसन तारा न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था कमेंट बताइए, क्या कोई राजधानी चेंज हुआ था। चलिए विच डांस हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू बी इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ UNESCO, तो इंडिया की तरफ नॉमिनेट किया गया, अभी शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अगर इंडिया नॉमिनेट किया है तो इसको न्यूज़ में है, तो इसको देखना पड़ेगा। तो ये कौन सा है, तो गरबा है, तो क्या गुजरात का है क्या, कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए दही हांडी कहाँ का था, अभी हमने बताया, कमेंट में जल्दी से बताइए। वेयर हैज़ सिल्क पार्क एक्सपो, ये कहाँ पे सिल्क पार्क एक्सपो आपको इनोग्रेट किया गया, तो सिल्क पार्क एक्सपो न्यू दिल्ली में किया गया है, और एक डिफेंस एक्सपो था, तो गांधीनगर गुजरात में था, तो ये सब देख लीजिएगा। यहाँ पे 2022 का पुलिजर प्राइज ये किसने जीता है, तो किस में जीते हैं, तो इलुस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में जीते हैं, तो ये कौन है, फाहमिदा अजीम है बांग्लादेश की, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, फाहमिदा अजीम बांग्लादेश की है और इलुस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में जीती है पुलिजर प्राइज। और एक और था फूड प्राइज, तो कौन थी, कोई रोजेनबेग करके थी, सिंथिया रोजेनबेग। और था आपको कौन सा, पुलिजर प्राइज हो गया और आपका फूड प्राइज हो गया, एक और प्राइज था इंपॉर्टेंट, टेम्पल्टन प्राइज, ये सब देख लीजिएगा। देखिए किसने टॉप किया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में, तो देखिए एक ओलंपियाड है ये आपको एस्ट्रोनॉमी खगोलशास्त्र और एस्ट्रोफिजिक्स में है, तो ये ईरान ने जीता है दोस्तों। चलिए ईरान अभी ब्लैक लिस्ट में है क्या FATF का, कमेंट में बताइएगा।
और एफएटीएफ के आपको हेड कौन बनेगा, क्या टी राजा कुमार है? कमेंट में जल्दी से कंफर्म करिए। विच कंट्री प्रेसिडेंट विल बी गिवन लिबर्टी मेडल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी मेडल 2022 किसको दिया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं आपके वोलोदिमिर जेलेंस्की, नाम आपको याद होगा आई थिंक। ये किसने टॉप किया है अंडर 20 जूनियर वर्ल्ड रेस्टिंग चैंपियनशिप में? तो जापान ने किया है और जूनियर वाला था ये। इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी कहाँ पे बिल्ड किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया, इंपॉर्टेंट है। और एक ऐप था जो कि आपको नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप था, तो आसाम ने लॉन्च किया था। ये फर्स्ट नाइट सफारी यह इंडिया का पहला है, तो यह लखनऊ में किया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड VLSR-SAM, तो यह सरफेस टू सरफेस होगा आई थिंक। तो ये मिसाइल है, तो कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये उड़ीसा से किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज कैप्चर्ड न्यू पिक्चर्स ऑफ विच प्लैनेट? तो यह जुपिटर का, ये आपका प्लैनेट का आपका पिक्चर कलेक्ट किया है। तो यह जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको पता होगा कि आई थिंक विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, कमेंट में कंफर्म करिएगा यही है या कोई और है। देखिए अमृता हॉस्पिटल, ये पीएम मोदी ने आपको इनोग्रेट किया है, तो यह आई थिंक ये हम लोगों ने यूटेरिया में भी डिस्कस किया था। तो यह इंडिया का फर्स्ट, ये प्राइवेट बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल था शायद, इसको भी आप लोग एक बार चेक करके बताइएगा। ये कहाँ पर खुला है? तो फरीदाबाद में खुला है। और एक सूरज क्राफ्ट मेला हुआ है सूरज कुंड करके, तो यह फरीदाबाद में ही हुआ था। देखिए अडानी ग्रुप हैज एक्वायर्ड 1% स्टेक इन NDTV, तो ये NDTV में आपको अडानी ग्रुप ने स्टेक खरीद लिया है, तो 29.2% का खरीद लिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है ये, NPCL हैज स्टार्टेड इट्स फर्स्ट बायोगैस कंप्रेस फ्रॉम काउ डंग्स, तो ये देखिए गाय का जो डंग है गोबर, उससे आपको बायोगैस बनाया जाएगा। तो NPCL ने किसके साथ ये किया है प्रोजेक्ट, कहाँ पे किया है सॉरी, तो ये संचौर, ये जालौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, तो वहाँ पे किया गया। और एक खादी का आपको सबसे बड़ा तिरंगा लहराया गया था, क्या जैसलमेर में है ये कमेंट में बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इनोग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, तो ये होमी भाभा के नाम पर है ये कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कहाँ पर? तो ये पंजाब में खोला गया है। पंजाब के CM कौन है? भगवंत मान है। और आपको पंजाब में ये कौन कौन सा स्कीम चलाया गया, तो ये बताइएगा। ये 300 यूनिट्स बिजली बिल फ्री कर दिया है। चलिए आपको जेवलिन थ्रो जो खेलते हैं आपको नीरज चोपड़ा के नाम पे स्टेडियम कहाँ बन रहा है वो बताइए कमेंट में। वेयर हैज़ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड, तो यह हाइड्रोजन से चलने वाला पैसेंजर ट्रेन है ये याद रखिएगा, तो जर्मनी में किया गया है। और एक ड्यूअल बेड व्हीकल चालू किया था ड्यूअल मोड का, तो यह जापान ने किया था। और ड्राइवरलेस कार कौन चलाया था, तो यह UK ने चलाया था। और ड्राइवरलेस आपको ट्रेन कौन चलाया था, तो यह जर्मनी ने ही यहीं वाला है। देखिए किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है टाटा न्यू के साथ टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड, तो ये HDFC के साथ किया है। ये देखिए किसको इलेक्ट किया गया है फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, तो ये न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये NV सुंदरा है। देखिए विच कंट्री हैज़ द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट, तो कितना है? तो 0.81 है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये साउथ कोरिया है, और इस बार ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये हम लोगों ने यूटेरिया में भी डिस्कस किया था। तो लोएस्ट फर्टिलिटी रिकॉर्ड का अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कौन सा ये आपको जीता था कप, तो ये उबेर कप जीता था। थॉमस कप किसने जीता था कमेंट बताइएगा। चलिए लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन मालगाड़ी, ये ट्रेन चलाया 3.5 किलोमीटर का, तो इसको टेस्टेड किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा, तो इसका नाम क्या रखा गया? तो सुपर वासुकी। तो वासुकी ये सर्प है, ये आपको पता ही है कि शंकर भगवान के ये गले में रहते हैं। चलिए ये बुक है एक न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19, तो यह बुक किसने लिखा है? तो M वेंकैया नायडू ने लिखा है। चलिए अभी आपको वाइस प्रेसिडेंट कौन है कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, और प्रेसिडेंट कौन है ये भी सब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, ये अब तो लास्ट होने वाला है सेशन। चलिए किसने जीता है यूनेस्को पीस प्राइज फॉर इट्स रिपोर्ट टू वेलकम रिफ्यूजी, तो ये रिफ्यूजी लोगों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को का पीस प्राइज दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया है? एंजेला मर्केल को दिया गया है। और एक और है एंजेलियो करके है, वो भी आप लोग, ये जो फर्स्ट ब्लैक वीमेन है जो कि US कॉइन पे उनका फिगर आया है, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए अनंग ताल, इसको एक डिक्लेयर किया गया नेशनल मोनूमेंट, तो ये अनंग ताल कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और अनंग ताल से क्या आपको अनंग पाल का नाम याद आ रहा है क्या? और दिल्ली का स्थापना किसने किया था, क्या तोमर वंश का था क्या, वो कमेंट बताइए। देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो इनका नोवेल था परामया, तो ये हिंदी लैंग्वेज के दिया गया है। किसको दिया गया? भगवंत अनमोल को दिया गया है। कौन सा? साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग याद करिएगा 56वां और 57वां, तो 56वां में थे फुकन जूनियर और 57वां में थे दामोदर मौजे। देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया इन IMF, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ये इंडिया के कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं? तो के सुब्रमण्यम बने हैं। और IMF में आपको वाइस चेयरमैन क्या गीता गोपीनाथ है कमेंट में बताइए। और
ये चेयरमैन कौन है, क्या क्रिस्टीना लगार्ड है, क्या क्रिस्टीना जॉर्जिया है, ये बताइएगा, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रघुराम राजन अभी किस चीफ इकोनॉमिस्ट पोस्ट पे है, किस पे है, ये भी बताइएगा, सबको एक साथ रिलेटेड कीजिए। इन विच स्टेट द फर्स्ट केस ऑफ वायरस नेम्ड, ये टोमेटो फ्लू, देखिए ये बर्ड फ्लू कौन कौन, स्वाइन फ्लू, अब टोमेटो फ्लू आ रहा है, तो ये कहाँ पर मिला है, तो ये आपको केरला में देखा गया। चलिए इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, तो ये कहाँ पे पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटेड खोला गया है, तो बंगलोर में, और हम लोगों ने 3D प्रिंटेड कॉर्निया देखा था, वो बताइए कहाँ पे ये किया गया था। ये यंगेस्ट पायलट कौन बना है टू फ्लाई अलोन इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, तो पूरी संसार में अकेले ये सोलो फ्लाई किए हैं, यंगेस्ट पायलट है, तो कौन है, मैक रदरफोर्ड, इनका नाम याद रखिएगा, आई थिंक ये क्वेश्चन छप चुका है, क्वेश्चन समझिए इस टाइप से इसका मतलब कि इंपॉर्टेंस है। देखिए बाय विच टाइम इंडिया हैज अनाउंस टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन टू 2070 तक करना है, और ये COP26 कहाँ पे हुआ था, तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ था, और इसमें मोदी जी ने आपको पंचामृत दिया था, ये पाँच में से एक ये है, 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे इंडिया को। चलिए 15th, और एक कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है, वो पल्ली ग्राम है, वो जम्मू कश्मीर में, ये आप लोग बताइएगा। और एक और आपको है कौन सा, कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला फॉर बेटर सॉयल हेल्थ, ये केरला स्टेट बनाया पहला। 15th एशियन कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है, तो ये UAE में हुआ है, और UAE का नाम सुन के आप लोग को क्या याद आ रहा है क्या, कि इंडिया का IIT संस्थान इंडिया के आउटसाइड UAE में ही खोला जाएगा, तो ये सब कमेंट बताइएगा। देखिए हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द लवसाने डायमंड लीग, तो ये लवसाने डायमंड लीग ये किसने, फर्स्ट इंडियन कौन है जीतने वाले, तो ये नीरज चोपड़ा है। देखिए नीरज चोपड़ा हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं, तो इनके नाम पे आपको जेवलिन थ्रो भी मनाया जा रहा है, मतलब इन्हीं के रिस्पेक्ट में। विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाई ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये माओन नाम है, माओन, तो ये फिलीपींस में आया है दोस्तों, माओन, और एक राय करके था, उसको बताइएगा कहाँ पे है। चलिए 49 चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, इंडिया का कौन बने हैं, तो 48 थे आपके NV रमन्ना, वो रिटायर हट चुके हैं, तो यू ललित बने हैं, उदय उमेश ललित। चलिए नेक्स्ट है, अभी इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट में कितने आपको जज हैं, आपको CJI के साथ मिलाकर, तो ये कमेंट में बताइएगा। ये एकदम फुल मतलब कि स्ट्रेंथ पे चल रहा है, तो 34 है, मतलब CJI को लेकर 33+1। ये देखिए मरवत उत्सव मनाया गया था, तो ये कहाँ पे मनाया गया, तो नागपुर में मनाया गया है। चलिए हु हैज़ बिकम द ओनली इंडियन प्लेयर टू प्ले 100 मैचेज फॉर द कंट्री, तो कंट्री के लिए 100 मैच खेलने वाले, देखिए तो अकेले हैं, विराट कोहली हैं। रशियन न्यूक्लियर पावर कंपनी रोसेटम, तो देखिए नाम से ही पता है, रशियन रोसेटम, रसकोसमोस, ये सब नाम उसे ही रहता है। ये कंस्ट्रक्शन किया है 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, तो यह हंगरी में ये बना रहा है, मतलब कि रशिया का ये रोसेटम है, हंगरी का ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। चलिए ये 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ये स्पोर्ट्स डे किसके जन्मदिन पर या किसके याद में मनाते हैं, ये कमेंट बताइएगा, बहुत ही अच्छा फैक्ट है, नहीं जानते हो तो गूगल बाबा से कॉन्टेक्ट करके प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए हु हैज़ वोन द यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, तो ये यूरोपियन का फुटबॉल फेडरेशन का बेस्ट फुटबॉलर किसको दिया गया है, करीम बेंजेमा है, करीम बेंजेमा। देखिए अब लास्ट होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंट बनाइए, और एलेक्सा पुटेलस को भी दिया गया है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च शू एंड लेदर प्रोडक्ट्स पॉलिसी, तो देखिए जूता और ये लेदर से प्रोडक्ट का जो बनाना है पॉलिसी, तो यह तमिलनाडु बना रहा है दोस्तों, साउथ का है तमिलनाडु। तमिलनाडु और किस किस चीज़ के लिए ये न्यूज़ में था, ये आप लोग रिलेट करिए। चलिए 13th एडिशन ये ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ था वज्र प्रहार, तो ये वज्र प्रहार किसके साथ ये हुआ है, इंडिया और US के बीच में हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ था, तो इस बार हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो ये याद रखिएगा, इंडिया USA के बीच में होता है, इतना तो मिनिमम पता होना चाहिए, फिर हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और USA के साथ हम लोग का एक युद्ध अभ्यास भी होता है, और अजय वारियर हम लोग के UK के साथ करते हैं, और बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ करते हैं, और संप्रीति भी बांग्लादेश के साथ करते हैं, सूर्य किरण नेपाल के साथ करते हैं, लैमितिया सेशल्स के साथ हुआ है, तो ये सब देख लीजिएगा, बहुत सारा है, तो इतना मैंने रिवाइज करा दिया। चलिए हु हैज़ टेकन ओवर द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, तो इंटरिम प्रेसिडेंट मतलब कि आपको अंतरिम ये प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने हैं, तो कौन बने हैं, आदिल सुमारी वाला बने हैं। देखिए विच मेडल हैज़ बीन वोन बाय इंडियन जूडो प्लेयर, कौन है, लिंथोई चिनम्बम, ये कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये जीते हैं, कौन सा मेडल, तो गोल्ड जीत लिए हैं, तो गोल्ड जीते हैं, तो थोड़ा सा इनके लिए रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, क्या नाम है, तो लिंथोई चिनम्बम, ये जूडो प्लेयर हैं, कराटा जूडो। चलिए यहाँ पे देखिए विच स्टेट गोट सेकेंड रेलवे स्टेशन आफ्टर 100 ईयर्स, तो 100 साल के बाद सेकेंड रेलवे स्टेशन किसको दिया गया, तो ये नागालैंड को मिला है। नागालैंड का नाम सुनते हैं आपको क्या दिमाग में आ रहा है, क्या नेवा कार्यक्रम, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। चलिए और कौन ऐसा आपको विधान मतलब कि विधानसभा है जो कि आपको पेपरलेस बन गया है, क्या केरला है, कमेंट बताइएगा, क्या या कोई और है। और कौन ऐसा कोर्ट है जो कि
पेपरलेस बन गया है, और जस्टिस क्लॉक किसने स्थापित किया ये भी बताइएगा। सब डिस्कस हो चुका है, ये लास्ट सेशन चल रहा है हम लोग का। हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 तो कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा है T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। देखिए, नीति आयोग हैज अनाउंस टू सेटअप 500 इन अटल टिंकरिंग लैम्स, ATL बनाया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में 500 बनाने का घोषणा किया गया है। तो ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। अभी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होंगे, और इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। इसके आपको CEO कौन है, तो ये आपके कौन है जल्दी से बताइए, तो अमिताभ कांत थे पहले, वो अभी G20 के शेरपा बन चुके हैं। तो अभी कौन है, तो ये परमेश्वरन अय्यर हैं। तो इतना चीज़ें क्या याद आ रही है क्या, तो अगर याद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, यहाँ पे इतना रिकॉल कराया जा रहा है। चलिए, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट द कंट्री फर्स्ट अर्थक्विक मेमोरियल, तो देश का पहला ये भूकंप का मेमोरियल बनाया गया, बहुत ही प्रोग्रेसिव न्यूज़ है। तो ये भुज में बनाया गया, गुजरात में, और आपको 1934 का भूकंप याद है क्या, तो अगर कमेंट में बताइएगा कहाँ पे ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है NIIE नेशनल इम्यूनोलॉजी का, कौन बने हैं, तो देवाशीष मोहंती बने हैं। देखिए, देवाशीष एक पांडे भी हैं, देवाशीष मित्रा भी हैं, तो ये सब आप लोग इंटर रिलेट करिएगा ताकि चीज़ें याद रहे, कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए, यूनिवर्सिटी इंडिया फर्स्ट रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, तो एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, तो क्षेत्रीय ये राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है, ये कंट्रोल डिजीज कंट्रोल के लिए कहाँ बनाया गया, तो भोपाल MP में बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट ये आई थिंक खत्म ही है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक, हु हैज़ बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर, तो ये सबसे सक्सेसफुल फास्ट बॉलर कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट के, तो ये जेम्स एंडरसन बने हैं। दोस्तों, ये कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के हैं, जेम्स एंडरसन फास्टेस्ट बॉलर हैं। चलिए, लास्ट है, मिस दिवा यूनिवर्स 2022, तो देखिए मिस यूनिवर्स तो बनी थी कौन, आपको हरनाज सेंधु बनी थी, ये दिवा लगा दिया, तो दिवा यूनिवर्स में दिविता, दिवा और दिविता, DIDVA, दिवा दिवा दिविता राय, याद कर लीजिएगा, ऐसे कर्नाटका की हैं। तो रायम सिमोन, ये निमोनिक्स अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहाँ पे आप लोग वीडियो को रिवाइज करिएगा, बार बार देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, बाय।